दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आप सभी को अपने घर तरफ क्या क्या है वो सब आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ भी सरसों लगा हुआ है, हमेशा की तरह आप सभी को दिखाते आ रहे हैं कि सरसों हमारे यहाँ ज़्यादातर खेती किया जाता है। देख सकते हैं इधर गांव है और इधर भी कुछ घरें हैं, शुरू हुआ है लेकिन गांव आगे है, उधर एक दो घर इधर है और एक दो ऐसे मिट्टी का घर देख सकते हैं, ऐसे पहले के ज़माने में हुआ करता था, मिट्टी का घर है ये। और ये पेड़ बरगद का है, देख सकते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हम जानते हैं ये बरगद का पेड़ है। और ये सरसों का है जो देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फूल होता है पहले, उसके बाद से ये इसमें फल आते हैं, उसके बाद उस फल को हम ले जाते हैं घर पे ले जाके धूप में सुखा के, सुखाने के बाद जब वो कच्चापन उसका सूख जाता है, उसके बाद से देख सकते हैं इधर भी लगा हुआ है, उसके बाद से हम लोग उसका सरसों का तेल निकलवाने के लिए ले जाते हैं, मशीन में डलवाते हैं, मशीन में डलवाने के बाद वहाँ पर हमें डब्बा लेकर जाना पड़ता है, वहाँ पे मिलता है, फिर हमें तेल और खली दोनों वापस घर लाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये हमारा अभी एक पड़ोस वाले भैया का खेत है और देख सकते हैं इधर घर है और एक मेरा दोस्त वहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी टमाटर का खेती शुरू हो रहा है, तो अभी तुरंत इसको गाछी को लगाया हुआ है, देख सकते हैं कैसे है ये गाछी को लगाया हुआ है अभी। और यहाँ देख सकते हैं हमारे घरों की मोटर से उधर दूर है 100-200 मीटर दूरी से पानी लाया गया है और बोरिंग से यहाँ पे पानी फेंक रहे हैं। ये पूरी बाड़ी को पटाना है यानी कि सिंचाई करना है, देख सकते हैं वहाँ भैया लोग जी काम कर रहे हैं और उधर वही जा रहे हैं और उधर घर भी है और इधर एक खलियान है और घर भी है, घर में एक भैया जी हैं और देख सकते हैं। आज के ब्लॉग में आप सभी को यही दिखाएं और आगे क्या ब्लॉग में आप सभी को चाहिए वो भी हमारे वीडियो में कमेंट करें। देखिए पानी कैसे गिर रहे हैं, एकदम क्लियर पानी हमारे होते हैं, इसे ना आरओ किया जाता है ना कुछ किया जाता है, ऐसे ही क्लियर पानी है। इसे हम इसमें थोड़ा सा भी नमक जैसा नहीं आएगा, खराब पानी नहीं है, एकदम शुद्ध पानी निकलता है हमारे यहाँ और हम पीते हैं डायरेक्ट, इसे भी कोई भी फिल्टर वगैरह का काम नहीं पड़ता है और एकदम क्लियर पानी हमारे यहाँ निकलते हैं। ऐसे पानी शायद ही कहीं निकलते होंगे जो डायरेक्ट हम लोग बोरिंग से निकलता है और पी जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इधर मोटर का पानी आता है, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पानी है, जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो है पानी है दोस्तों, पानी है यहाँ पर देख सकते हैं, मोटर से पानी आती है और हमारे खेतों में पानी आते हैं। उधर टमाटर ज़्यादा लगा हुआ है लेकिन नया गाछी यहाँ पे अभी तुरंत लगाने वाले हैं, और लगाने वाले नहीं हैं दोस्तों, लगा चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ तक लगा दिया है, इधर पानी देना बाकी है जो कि पानी की वजह से ना रहने की वजह से मर रहे हैं, देख सकते हैं। और सामने यहीं पर सरसों हैं और ये हमारा धान आप सभी को दिखाते हैं खलिहानों में हमारे वो कैसे पीट के निकालता है, मशीन के द्वारा निकालता है, लेकिन अभी मशीन है किसी दूसरे का खलिहान है, ये देख सकते हैं ये धान है। अभी वीडियो पे बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि खलिहान हमारे कैसे होते हैं यहाँ के, देख सकते हैं ये खलिहान है इधर खेत बैयार, इधर भी एक खलिहान है दूसरे का और खेतों में वहाँ पर देख सकते हैं और लगे हुए कोई भैया लोग, देख सकते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति है और गाय वगैरह सब चर रहे हैं और यहाँ पे धान है, देख सकते हैं कैसे सरिया के रखे हुए हैं। और ये फिर से देख लीजिए आज भी खजूर का पेड़, इधर खजूर का पेड़ है और एक भैया वहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं अपने सरसों का, जो कि सरसों अभी उगा नहीं है, वो सरसों ही है लेकिन आएगा अभी, उगा नहीं है, उगने वाला है। और इधर गाँव के नज़ारा देख सकते हैं, इधर गाँव का नज़ारा है, उधर गांव है रोड साइड और